हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर बैक विद यू। हाउ आर यू ऑल? और जैसे कि आपको मालूम है, हम कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। और उसी सीरीज में आज है हमारा सेकेंड एपिसोड। सो हमने इससे पहले एक वीडियो किया है और अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट वन और आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट टू। और चूंकि मैंने यहां पर लिखा है फॉर स्पोकन इंग्लिश, सो दैट मींस आई एम गोइंग टू टीच यू इन अ वेरी फंक्शनल वे, इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। आर यू विद मी? सो हियर वी गो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज कवर क्या क्या करेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन थर्ड विल कवर एप्लीकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड देन द फोर्थ ऑफ कोर्स विल डू क्विज एक्सरसाइजेस आल्सो। एज वी गो अलोंग आई विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वुड बी प्लीज आंसर दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दिस एक्टिविटी इफ यू वांट टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ प्रैक्टिकल मैनर, ओके। हियर वी गो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि इंटरेस्ट जो कि इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है दो जगह पर, वो कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है, यानी कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ओके। ये मेरा पिछली वीडियो का असाइनमेंट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, माई रिक्वेस्ट इज प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। और उसी वीडियो के एंड में मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था। तो आप में से कितने लोगों ने ये असाइनमेंट किया, और अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, अभी बता दीजिए। दो जगह पर इंटरेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, एक तो इंटरेस्ट यहां इस्तेमाल हुआ है और एक इंटरेस्ट यहां इस्तेमाल हुआ है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि वन पर इंटरेस्ट कैसे इस्तेमाल हुआ है और टू पर इंटरेस्ट कैसे इस्तेमाल हुआ है। देखिए, इसी के साथ आप बहुत सारे रूल सीखेंगे इंग्लिश के। सबसे पहला रूल यह सीखिए कि अगर आपके पास ईडी वाला आता है कोई भी वर्ब, तो यह कुछ भी हो सकता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो मैं कैसे जानूंगा? तो मैं ऐसे जानूंगा कि उससे पहले मैं देखूंगा मेरे पास क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर आपके पास आ रहा है एम, इसका मतलब ये जो है ये बी की एक फॉर्म है। और याद रखिए, अगर आपको बी की कोई भी फॉर्म मिल जाए, बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, अगर आपको ये मिल जाती है इंग्लिश में, तो आपने क्या याद रखना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कभी भी वर्ब नहीं होता। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो वर्ब नहीं होता। तो वो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम वर्ब एडजेक्टिव। व्हाट इज दिस कॉल्ड? वर्ब एडजेक्टिव। और ये कहलाता है इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल, ओके। तो अगर आपने आंसर दिया था पास्ट पार्टिसिपल, देखिए मैंने यहां लिखा पास्ट पार्टिसिपल, ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये इनफैक्ट एक एडजेक्टिव का काम करता है जिसको हम बोलते हैं वर्ब एडजेक्टिव। और इसकी पहचान एक तो ये होती है सबसे बड़ी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आएगी तो वर्ब ये नहीं होता। तो अगर आपने इसको वर्ब बताया तो आई एम सॉरी, वो गलत आंसर था। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको धीरे धीरे ये सब सिखाएंगे। आपने क्या करना है, हमारी सारी के सारी वीडियोस को लगातार देखना है, ओके। नाउ, सो व्हेन आई से आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट योर इंटरेस्ट, अब यहां पर इंटरेस्ट क्या काम कर रहा है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर जो इंटरेस्ट काम कर रहा है वो है नाउन। अभी मुझे पता कैसे चला, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, अगर आपके पास प्रीपोजिशन आ जाता है या आर्टिकल आ जाता है, उसके बाद 101% आपको एक नाउन चाहिए। अगर एक वर्ड आया नाउन, दो वर्ड आए एडजेक्टिव प्लस नाउन, तीन वर्ड आए यस एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ओके। उसका लिंक मैं आपको यहां दे दूंगा, सो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और उसको बहुत बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले चार पार्ट ऑफ स्पीच मैंने उसी वीडियो में कवर किए हैं। नाउ इफ यू लुक एट दिस, कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद 101% नाउन आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये टॉकिंग क्या है, आपको ये भी पता चल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी आपको पिछली वीडियो में बताया है, ओके। जैसे ही आपके पास प्रीपोजिशन आया तो ये क्या होगा, जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये व्हाट इज दिस, लाइक टॉकिंग वी हैव हियर, सो व्हाट इज टॉकिंग वर्किंग एज, ओके। अब जैसे ही प्रीपोजिशन आया तो यानी इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपके पास नाउन आएगा, और अगर ये नाउन है तो आईएनजी वाला नाउन क्या कहलाता है,
जिरंड। क्या कहलाता है? जिरंड। देखिए, हो सकता है अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, सर मैंने तो जिरंड पढ़ा नहीं है, सर मैंने तो पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा नहीं है, तो आप घबराइए मत। या तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, या हम इसी के ऊपर एक वीडियो करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको नॉन फाइनेट्स पढ़ाऊंगा और आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, आपको मजा आएगा और आपको सब पता चलेगा कि जिरंड क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब एडजेक्टिव कब होता है, वर्ब नाउन कब होता है, ये वर्ब नाउन होता है, ये वर्ब एडजेक्टिव होता है। ओके, ये सारे के सारे रूल्स आप कहीं ना कहीं नोट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये तो था हमारा पिछला असाइनमेंट, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सारे के सारे असाइनमेंट्स जो मैं आपको देता हूं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। ओके, मुझे भी पता चले ना आपकी क्या प्रोग्रेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या ये हमने आपको पिछली बार बताया था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, अभी तक हमने असाइनमेंट किया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक हमारा काम हो चुका था, तो ये वाला पोर्शन हमने वीडियो नंबर 1 में कवर किया है। सो अगर आप क्लास 1 में जाएंगे इसी कोर्स की तो आपको वो मिलेगा। तो अब आज हम बढ़ेंगे क्लास 2 की ओर, जिसमें हम कवर करेंगे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सो ये हो गया हमारा क्लास 1, इसको जरूर देख लीजिएगा, और आज है हमारी क्लास 2। तो क्लास 2 में मैं आपको ये सब बताऊंगा और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। हियर वी गो। ओके, 4 हमने वहां किए थे, 5वां आ गया हमारे पास एडवर्ब। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यह तो मालूम होगा कि एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि किसको डिस्क्राइब करता है, तो आप मुझे जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब एक चीज को डिस्क्राइब करता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करता है, 2 को करता है, 3 को करता है, कितनों को करता है, जल्दी से बताइए। तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, एडवर्ब जो है ये बहुत खतरनाक पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए है क्योंकि हमने कभी इसको पूरा नहीं पढ़ा। हम हमेशा कहते आए कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। नहीं, एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर सकता है? वर्ब को तो करता ही है, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है जो उसके बाद आता है, अभी हम देखेंगे। ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है जो उसके बाद आता है, और तो और ये फ्रेज और क्लॉज इनको भी क्वालिफाई कर सकता है। ओके, तो अगर आप देखें कि ये 1, 2, 3, 4, 5 और इसके अलावा नाउन और प्रोनाउन जिसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, ये इतना बदमाश है कि 3 एडवर्ब ऐसे होते हैं, 3 एडवर्ब ऐसे होते हैं। ओके, कौन कौन से? इवन, ओनली, एटलीस्ट। अगर ये 3 एडवर्ब आपको मिलते हैं तो ये नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं जो काम एडजेक्टिव का होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा खतरनाक होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। द गर्ल्स रैन क्विकली एंड हैप्पीली थ्रू द पजल। जल्दी से बताइए कि यहां पर आपको एडवर्ब क्या नजर आ रहा है, एक एडवर्ब नजर आ रहे हैं या 2 एडवर्ब नजर आ रहे हैं? अब मुझे यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे पास यहां पर क्विकली है और यहां हैप्पीली है, लेकिन एक गलती मत करिएगा। यह बात दूसरी है कि यहां पर एलवाई आया और आपने उससे उसको एडवर्ब बताया होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद एलवाई आता है लेकिन वो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे मैनली, जैसे एल्डरली। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो हैं ये एडजेक्टिव हैं, तो हमेशा सारे के सारे एलवाई वाले एडवर्ब नहीं होते, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलो अब चलते हैं हम आगे। तो ये हुआ क्विकली और हैप्पीली, लेकिन मुझे ये भी मालूम होना चाहिए क्यों ये क्वालिफाई किसको कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये जानने की कोशिश कीजिए ये किसके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, क्विकली और हैप्पीली रैन के बारे में बता रहा है, और रैन क्या होता है? वर्ब होता है। तो अगर ये वर्ब होता है तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। चलते हैं आगे। ओके, अब यहां तो कोई एलवाई नहीं आया, अब क्या करें? अनूप वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड व्हेन दे ब्रॉट हिम अ डिलीशियस डेजर्ट। अब देखिए, ये पूरे के पूरे सेंटेंस में एलवाई कहीं नहीं है। ओके, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये कहां पर है मेरा एडवर्ब। आपको दिखाई दिया? जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको दिखा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपके पास कभी भी ये आ जाए बी की फॉर्म और यहां पर वर्ब जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, अभी ये यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन वर्ब जैसा कुछ भी दिखे, फॉर एग्जाम्पल
अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आए और उसके बाद यहां पर मेन वर्ब आए यानी एक्शन वर्ब और इसके बीच में कुछ आए तो याद रखिएगा ये एडवर्ब होगा। अगर आपके पास लिंकिंग वर्ब आए जो कि ये काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद आईएनजी नहीं है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और अगर यहां पर मेन वर्ब नहीं होता है यानी ये पास्ट पार्टिसिपल होता है तो ये लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है, तो यहां पर एडवर्ब आएगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास मॉडल आता है ओके और यहां पर एक्शन वर्ब आता है क्योंकि उसके बाद एक्शन वर्ब आना जरूरी है, तो इनके बीच में क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटी ट्रिक्स हैं, कुछ हैक्स हैं, नोट कर लीजिए, काम आएंगे। तो आपको कभी भी ये कॉम्बिनेशन मिले ना तो आप याद रखिएगा, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया पास्ट पार्टिसिपल ओके, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो अब ये देखिए, वॉज आया, पास्ट पार्टिसिपल आया, इसके बीच में क्या आया, ऑलमोस्ट। सो अगर ऑलमोस्ट आया तो ये एडवर्ब है और इसमें कहीं भी एडवर्ब नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर ए लगा है और इसके बाद ये आ रहा है, दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो बताइए ये वर्ड क्या है, डेजर्ट क्या है, और ये भी बताइए कि डिलीशियस क्या है। और इसके साथ साथ ये भी बताइए मुझे कि अगर मुझे यहां पर कहीं एडवर्ब लगाना होगा ए के बाद तो मैं कहां लगाऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, तो अब आप बताइए, आपकी बारी है। तो चलिए तब तक मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरे सेंटेंस की तरफ। रीता कैन रीड फ्रेंच वेरी वेल, नाउ दिस इज अ टिपिकल केस। जल्दी से बताइए इसमें कितने एडवर्ब हैं और वो कौन कौन से हैं और वो क्यों हैं। अगर आप तीनों बातों का जवाब दे देंगे तो कमाल की बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं इसका मतलब एडवर्ब। जब तक आप मुझे ये बताएं तब तक मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एडवर्ब कहां आएगा। तो याद रखिए ए के बाद आएगा, क्यों आएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक रूल 1 2 3, यानी पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। तो ये क्या हुआ, डिलीशियस क्या हुआ, एडजेक्टिव, इससे पहले क्या आएगा, एडवर्ब। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, लेकिन एक एडवर्ब से पहले भी एडवर्ब आ सकता है, यानी एडवर्ब जिसको क्वालिफाई करता है अगर वो एडजेक्टिव या एडवर्ब हुआ तो वो उससे पहले आएगा एडवर्ब। यहां देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इसमें दो एडवर्ब हैं, एक वेरी और एक वेल, लेकिन दोनों के कारण अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग तरह के एडवर्ब हैं। देखिए कैसे, ये जो वेल है ये वर्ब को बता रहा है और जो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको बोलते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ, बोलिए बोलिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। और हां जो एडवर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और उससे पहले आता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और अब आपने देखा जो मैंने आपको यहां बताया था कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को, एक एडवर्ब वर्ब को और एक एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसके अलावा ये फ्रेज और क्लॉज को भी क्वालिफाई कर सकता है जब वो उसके आगे आता है, जैसे सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, यहां पर सडनली क्या है, एडवर्ब है, पूरे क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको ये समझ में आया हो तो हम आगे चलें। अब आपने करना क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है कि इसमें कौन कौन से एडवर्ब हैं। ओके देखिए मैंने आपसे कहा था ना प्रैक्टिकल तरीका यही है पार्ट ऑफ स्पीच सीखने का, पहले सेंटेंस में बताइए एडवर्ब क्या क्या है एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ओके और इसी के साथ दूसरे सेंटेंस में बताइए। अब इसमें बहुत सारे एडवर्ब हो सकते हैं तो देखिए उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब रूल्स जो हैं वही रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक रूल इंग्लिश के लगभग वैसे के वैसे रहते हैं। दे आर मूविंग, अभी इसके बीच में कुछ नहीं आया यानी एडवर्ब नहीं आया। अब आगे चलते हैं, देयर आ गया, देयर आ गया, क्या है ये, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का रूल बताइए, अगर एक वर्ड आया नाउन, दो वर्ड आए एडजेक्टिव प्लस नाउन, तीन वर्ड आए एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास अगर पोजेसिव एडजेक्टिव आया, बस मुझे ये देखना है उसके बाद कितने वर्ड्स आए। तो देख लेते हैं भाई, ये आए न्यूली, एक एस्टेब्लिश, दो ऑफिस, तीन, ये तो कुछ और है। ओके
अब याद रखिए कि ये वाला 101% एडवर्ब है, पहला वर्ड। ये वाला 101% एडजेक्टिव है, ओके, दूसरा वर्ड। ये वाला 101% नाउन है, तीन वर्ड्स आगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। अब मुझे बताइए ये कैसा एडजेक्टिव है, जल्दी से बताइए। देखिए, अगर आपको लेवल नेक्स्ट पर जाना है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और हां, ये याद रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा अगर आपने कुछ समझना है इससे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ओके, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ओके। यहां तक तो हमने देख लिया कि यहां तक आ गया हमारे पास, ओके। लेकिन मुझे अभी और कुछ चाहिए इसमें, बताइए अपस्टेयर्स क्या है, व्हाट इज अपस्टेयर्स। तो दोस्तों याद रखिए, अपस्टेयर्स भी एक एडवर्ब है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब वो पूछता है कहां, किधर, ये एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन भी कहलाता है। तो वो जब वेयर का आंसर देगा, सो दे आर मूविंग देयर न्यूली एस्टेब्लिश्ड ऑफिस, वेयर, अपस्टेयर्स, ऊपर, ओके। याद रखिए, अपस्टेयर्स के आगे हमेशा एस लगाते हैं जब हम इस तरह से बताते हैं, और अपस्टेयर्स भी एक एडवर्ब है। क्या आपने दो एडवर्ब इसमें बताए थे, कितने लोगों ने बताए दो एडवर्ब, अगर बताए तो बहुत अच्छा है। अब इसमें बताइए कितने एडवर्ब्स हैं, हाउ मेनी एडवर्ब्स आर देयर इन सेंटेंस नंबर टू। फास्ट, ही वॉज वेरी हैप्पी, अगेन बी अगर आपके पास आ जाता है, और यहां पर आपके पास अगर एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले 101% एडवर्ब होगा, वेरी एक एडवर्ब है। ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट बींग सो गुड एट सच एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग स्पोर्ट। बताइए इसमें दो में, सेंटेंस नंबर टू में कितने एडवर्ब्स हैं, एक मैं बता चुका हूं, अब कितने बचे, टोटल कितने हैं, दो बताए टोटल, गलत, तीन। देखिए कैसे, ये एडजेक्टिव है गुड, आपको मालूम है, और अगर इससे पहले कुछ आ रहा है एडजेक्टिव से पहले जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो वो 101% एडवर्ब है, सो भी एक एडवर्ब है। अब यहां आ जाइए, एन आ गया, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग स्पोर्ट, आर्टिकल का रूल बताइए, 1, 2, 3, एक वर्ड आया नाउन, दो वर्ड आए एडजेक्टिव, तीन वर्ड आए एडवर्ब। इसको करेंगे उल्टा, यानी पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। अभी न सिर्फ मुझे यह पता चल गया कि ये एडवर्ब है, मुझे यह भी पता चल गया है कि ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और स्पोर्ट क्या हुआ, नाउन। अगर आपको इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच देखना आ गया दोस्तों, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू विल हैव फुल कमांड ओवर इट। लेकिन इसको बार बार करिए, न्यूज़पेपर खोलिए, उसमें से एक आर्टिकल निकालिए और उसमें से छाटने की कोशिश कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, ओके, आर यू विद मी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो चलते हैं, ये रहे हमारे आंसर, मैंने आपको बताई दिया आंसर, इसमें तीन थे और इसमें दो थे, टोटल पांच एडवर्ब थे हमारे दो सेंटेंस में। अब चलते हैं हम, यस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन, माइंड इट। अब ये काम क्या करता है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो भैया प्रीपोजिशन ये काम करता है, अभी हम अक्सर ये मानते हैं कि कंजंक्शन का काम होता है ये, लेकिन प्रीपोजिशन का भी यही काम होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन दो चीजों को हमेशा जोड़ता है। ये डायरेक्शन तो बताता है, लोकेशन भी बताता है, लेकिन दो चीजों को जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है, इसको जोड़ता है इससे। अभी ये पहले आता है प्रीपोजिशन के, और ये कहां आता है, ये बाद में आता है। यानी प्रीपोजिशन किसी भी नाउन, नाउन का मतलब नाउन एंड प्रोनाउन, तो मैं यहां पर प्रोनाउन भी लिख सकता हूं, किसी भी वर्ब और किसी भी एडजेक्टिव को लिंक करता है या उसके बारे में बताता है। और जो यहां पर होगा, यहां कभी एडजेक्टिव नहीं होगा, यहां या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, इस बात को याद रखिएगा, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, सीधी सी बात है। लेकिन प्रीपोजिशन बताता क्या है, अरे भाई ये सब चीजें बताता है, डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है, लोकेशन बताता है, और बहुत सारी चीजें बताता है। लेकिन इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला, हम इसको छोड़ जाते हैं
तो ऐसा नहीं करना है, आप हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ये पाएंगे। तो अगर आपने ये गेस करना है प्रीपोजिशन है कि नहीं, तो कोशिश कीजिए उसके बाद देखिए क्या एक नाउन या प्रोनाउन है, उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देखिए आगे जब सेंटेंसेस आएंगे तो हम उसको देखेंगे। इसमें देखिए, नाउ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, प्लीज प्रैक्टिस योर बास्केटबॉल ड्रिबलिंग इनसाइड द स्टेडियम नॉट ऑन रोड, टेल मी व्हाट इज और आर द प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशंस। इस सेंटेंस में कितने प्रीपोजिशंस हैं जल्दी से बताइए। तो अगर आप देखें कि मेरे पास प्लीज नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुआ, योर नहीं हुआ, बास्केटबॉल ड्रिबलिंग इनसाइड, पहला प्रीपोजिशन। अब मैं चेक करूंगा अपने आंसर को कि क्या इसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, स्टेडियम नाउन आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो ये प्रीपोजिशन है। अब दूसरा क्या लग रहा है मुझे, ऑन, चेक करिए, इसके बाद नाउन है, 101% है। तो मेरे पास दो प्रीपोजिशन कौन से हुए, इनसाइड और ऑन। एक और देख लेते हैं, आई विल मीट यू एट 11:30 PM बिफोर लंच। अरे जल्दी से बताइए कितने प्रीपोजिशंस हैं, और क्या आपको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नजर आया। अगर आया तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। यस, मैंने आपको टाइम दिया लिखने का और यह बहुत आसान है। और उसके बाद देखिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देखिए क्या आपने यह लिखा, चेक कीजिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट 11:30 PM बिफोर अनदर वन, चेक कीजिए आया लंच, नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो अब के बाद मैं हमेशा इसको ऐसे ही चेक करूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रीपोजिशन एडवर्ब का भी काम करते हैं। ओके, बहुत सारे प्रीपोजिशन कंजंक्शन का भी काम करते हैं। मैं आज चलते चलते आपको असाइनमेंट देकर जाऊंगा और तब आप देखिएगा क्या वो प्रीपोजिशन है या कुछ और है। तो चलिए एक टीजर है आपके लिए, देख लेते हैं और इससे पता भी चलेगा कि आपको आया कि नहीं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। ओके, नाउ माय टीजर इज अबाउट। मैंने आपको यहां दो सेंटेंस दिए हैं, दे वॉन्डर्ड अबाउट इन मार्केट। ओके, देयर इज समथिंग अट्रैक्टिव अबाउट हिम। आपने करना क्या है, आपने मुझे बताना है कि अबाउट का इस्तेमाल इन दोनों सेंटेंसेस में कैसे हुआ है। यानी सेंटेंस नंबर वन में अबाउट की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, लिखिए वन पार्ट ऑफ स्पीच। अब लिखिए अबाउट टू पार्ट ऑफ स्पीच, लिखा आपने। देखिए याद रखिए, ये अबाउट और ये अबाउट दोनों अलग अलग हैं। इसका कारण क्या है, इस अबाउट के बाद क्या कहीं पर नाउन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। इनफैक्ट नाउन जो आ रहा है वो इसके बाद आ रहा है, इनके बाद आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन किसका, इससे पहले आए प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन है। तो ये क्या हुआ, ये दोस्तों हुआ एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब। और ये किसके बारे में बात कर रहा है, वॉन्डर, वॉन्डर मैंने टहलना, दे वॉन्डर्ड अबाउट इन मार्केट, वो मार्केट में इधर उधर टहले। सो वॉन्डर का अबाउट इसके बारे में बात कर रहा है, तो दिस इज एडवर्ब। बट लुक एट दिस अबाउट, आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन। अगर आपको इतनी बात समझ में आई, देखिए मैंने अभी तक जो भी कवर किया है उसमें मैंने एग्जैक्टली आपको बताया है कि वो क्या है और वो क्यों है। न सिर्फ क्या है बट क्यों है। चलते चलते मैं एक असाइनमेंट आपको दूंगा जो आपको टेस्ट करेगा बहुत अच्छी तरह, तो उसको जरूर करके जाइएगा। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं आगे अपने 7th नंबर की तरफ। 7th पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास होता है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन भी लगभग वही काम करता है, ज्वाइन करता है। लेकिन ये किनको ज्वाइन करता है, ये वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, ये फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, और तो और कंजंक्शन क्लॉजेस को भी ज्वाइन कर सकता है। और ये सबसे बड़ा गुण होता है कंजंक्शन का। देखिए वर्ड को कैसे ज्वाइन करता है, राम एंड श्याम, रवि एंड मोहन। फ्रेजेस को कैसे ज्वाइन कर सकता है, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। ओके, तो एंड यहां पर ज्वाइन कर रहा है। लेकिन ये क्लॉजेस को जब ज्वाइन करता है तो सेंटेंस का प्रारूप, उसका जो फॉर्म है वो बदल जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे कंजंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं प्राइमरीली। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसे एंड, जैसे बट, जैसे और, जैसे नोर, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं उनको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो मैंने आपको यहां पर एक निमोनिक दिया है, नोट कर लीजिए, फैन बॉयज। इसका मतलब इन लेटर से बनने वाले जितने भी कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा. ओके, इससे सेंटेंस की फॉर्म डिसाइड होती है कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है सेंटेंस होता है कंपाउंड, जो सबऑर्डिनेटिंग से बनता है यानी इनको छोड़कर बाकी सारे, वो सारे के सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स. ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. खैर, फैन बॉय से याद रखिए, फोर फैन बॉयज का एफ, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट एंड एस सो. ये हैं हमारे फैन बॉयज, इनको याद रखिएगा और ये आपके बहुत काम आएंगे. जब हम आपको कंजक्शन पढ़ाएंगे, उसके रूल्स पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे. लेकिन फिलहाल हम चलते हैं आगे और आपको एग्जांपल में बताते हैं कि हमारे पास कंजक्शन क्या क्या हैं. देखिए, साहब मुझे नजर आ रहा है एंड फैन बॉयज. ओके, यस, फैन बॉयज का ए, स्विमिंग एंड रीडिंग आर माई टू फेवरेट समर एक्टिविटीज. दूसरा देखिए, शी वॉन्टेड टू ड्राइव द कार बट फैन बॉयज, शी हैड नेवर रिसीव्ड हर लाइसेंस. दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है. ओके, ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग, यू मस्ट डिसाइड ईदर टू फ्लाई और टू ड्राइव. अब ये वाले जो कंजक्शन होते हैं ना, ईदर और, नीदर नोर, बट ऑल्सो, ये कंजक्शन बिल्कुल अलग होते हैं. ओके, इनके बारे में हम आपको किसी दिन बताएंगे और इनको कहते हैं हम कोर रिलेटिव्स. यस, कोर रिलेटिव कंजंक्शन या कोर रिलेटिव्स. ओके, तो इधर और, नीदर नोर, बट ऑल्सो, इनके रूल बिल्कुल अलग होते हैं. और आई रियलाइज यू आर बिजी, इट इज अनफॉर्चुनेट हाउएवर दैट यू मिस दैट फोन कॉल. ओके, कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, हाउएवर मतलब ये डिस्पाइट दिस, इसका मतलब ये है कि तुमने वो कॉल जो है वो मिस कर दी. अब आपने ये देखना है कि कभी कभी कंजंक्शन ऐसे भी होता है कि ये है तो एडवर्ब लेकिन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा एडवर्बियल कंजंक्शन. काम ये एडवर्ब का ही करेगा. ओके, पर बीच में आ जाता है तो कंजंक्शन भी बन जाता है. खैर, तो चलिए, आपको कंजंक्शन तो समझ में आ गया क्या होता है, जरा टेस्ट कर लिया जाए. यस, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं दो सेंटेंसेस और आपने मुझे बताना है कि जो इसमें एज का इस्तेमाल हुआ है वो कैसे हुआ है. यानी आप दोनों सेंटेंस में देख पाएंगे कि आपके पास आ रहा है एज. अब आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में एज क्या है और इस सेंटेंस में यहां पर एज क्या है. जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, तो मैं बता देता हूं आपको. याद रखिए, कभी भी आपको एज इस तरह से आए जहां पर वो कंपैरिजन करे तो वो एडवर्ब होगा. ओके, और इसके बीच में आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलेगा यहां पर भी. ओके, तो यहां पर ये एडवर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का, तो मैंने दोनों यहां पर लिख दिए. और ये कंपैरिजन बताता है, तो याद रखिए ये कंपैरिजन बता रहा है कितना एज ही कुड, जितना कि वो कर सकता था या कर सका. अब ये तो हुआ एडवर्ब, तो ये एज क्या है दोस्तों, ये एज करता है काम कंजंक्शन का. एज ही वॉज पुअर, और ये जो कंजंक्शन है ना एज, ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपका कंजंक्शन होता है बिकॉज, जैसे आपका कंजंक्शन होता है सिंस. अब मुझे पता कैसे चलेगा, सिंपल सी बात है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है. ही वॉज पुअर, ही कुड नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है और जो दो क्लॉजेस को जोड़ेगा वो क्या होगा, कंजंक्शन भाई. ओके, तो चलिए चलते हैं आगे. और ये मैंने आपसे पूछा था और आपने मुझे बताया, बहुत बढ़िया. अब चलते हैं आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ. इंटरजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे कि इंटरजेक्शन हमें बताता क्या है, ये एक्सप्रेस करता है फीलिंग या इमोशंस. ओके, जैसे डैम, वी कैन नॉट गो आउट ऑफ आर हाउस फॉर वन वीक, तो यहां पर ये जो डैम बात कर रहा है ये इंटरजेक्शन की तरह काम करता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. हुरे, इट्स एन ऑफ डे टुमारो, अरे वाह कल की तो छुट्टी है. तो जब आपको इस तरह की फीलिंग देनी होती है जिसमें सेलिब्रेशन होता है, मजा आता है, तो आप इस इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. खैर, ये बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल नहीं होता, तो हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ. और आपने लिखना है कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में. यस, और सभी ने लिखना है. तो मैं आपको देकर जा रहा हूं तीन सेंटेंसेस. इन तीन सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे कि हमने आफ्टर का इस्तेमाल किया है. ओके, लेकिन तीनों जगह आफ्टर अलग अलग काम कर रहा है. आपने मुझे बताना है कि सेंटेंस वन में आफ्टर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस टू में आफ्टर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और थ्री में. और नंबर से लिखकर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा. आपने आंसर कहां देना है, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एक बार फिर.
फिर मुलाकात होगी एक बार फिर बेहतरीन वीडियो में. फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ. लेट्स विन इट विद विनीत. बाय बाय.